तो गाइस मैं हूं आयश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हाँ, ये शो अभी खत्म हुआ और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि ब्रॉक लेस्टर आज के शो पे अपीयर होंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। शो से पहले कुछ समय आ गया था कि आज के शो पे ब्रॉक लेस्टर नहीं आने वाले। तो आई नो मोस्ट ऑफ यू डिसअपॉइंटेड होंगे भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम लगा के बैठे हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस का मैच अब बैलर के साथ होने वाला है, आज की स्मैकडाउन में बिल्कुल वैसा ही WWE ने हमको दिखाया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो शो को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। और आज पैट मैकेफी नहीं थे कमेंट्री पे, ऑब्वियसली उनको क्योंकि COVID-19 हो गया, और उनकी जगह यहाँ पे कोरी ग्रेव्स और केविन ओवेंस कमेंट्री पे थे विद माइकल कोल। तो ये एक छोटा सा चेंज हमें देखने को मिला गाइस। लेकिन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच करती है स्टार्ट इस शो को, और वाके रिंग में सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से उनके लिए बहुत मुश्किल था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को ड्रॉप करना, उसको आस्का को देना और इतने समय WWE से दूर रहना। और वो कहती हैं कि देखो भाई, इतने समय जब मैं पहले WWE में थी, मैं कितनी डेंजरस थी और तब मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रही थी। अब ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी है और उसके लिए भी मैं लड़ूंगी यहाँ पे आके, तो सोच लो मैं कितनी ज्यादा डेंजरस हूँ। लोग उनको बहुत ज्यादा चीयर कर रहे थे, और हमेशा से हमने देखा है कि भाई बेकी लिंच इस टाइप की हील है जिनको हमेशा ही चीयर होती है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो बेकी यहाँ पे इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो रहे थे, कुछ क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा था जिस तरीके से आके उन्होंने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता। और वो कहती हैं, आई एम सॉरी फॉर एब्सोल्यूटली नथिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रही है, मैं इतना समय बिता चुकी हूँ WWE में, मुझे पता है कि टाइमिंग क्या होती है, और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरी वापस आने के लिए, और डेफिनेटली मैंने वही करा समर स्लैम में। तो बियांका आ जाती है बाहर और वो कहती है बेकी, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैंने इतने समय से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रखा हुआ था, और 26 सेकंड में हारने के बाद मैं वो सारी चीज खत्म नहीं होने दे सकती हूँ, तो क्यों ना आज हम एक बार फिर से लड़े फॉर द टाइटल। और यहाँ पे बेकी उसके लिए बोलती नहीं है कुछ, लेकिन बाहर आ जाती है ज़ेलिना वेगा, कार्मेला और फाइनली गाइस लिव मॉर्गन। और इन चारों के बीच में हमें एक फेटल फोर वे एलिमिनेटर मैच देखने को मिलता है, जिसमें जो भी जीतता हो बेकी के लिए आगे नंबर वन कंटेंडर बनता। तो सबसे पहले इस मैच से बाहर हो जाती है ज़ेलिना वेगा, क्योंकि उनको KOD लगा देती है यहाँ पे बियांका। उसके बाद कार्मेला बाहर हो जाती है, उनको लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा के बाहर करती है, और फाइनल दो में बचते हैं बियांका और मॉर्गन। और इन दोनों के बीच में एक बढ़िया बैक एंड फोर्थ मैच हमें देखने को मिलता है, और एट द एंड हम जानते थे क्या होने वाला है कि बियांका ने लिव मॉर्गन को हरा दिया गाइस, और वो फिर से नंबर वन कंटेंडर बन गई है फॉर बेकी लिंच। आई थिंक ये मैच एक्सट्रीम रूल्स में होगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा कि लिव मॉर्गन आज मुझे रिंग में काफी बढ़िया लगी। आई डोंट थिंक उनको इतना मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का कि क्या टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन आज डेफिनेटली गाइस उन्होंने उस चीज को शोकेस करा। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, तो बैक स्टेज होते हैं पॉल हेमन और वो खड़े होते हैं वहां पे, रोमन रेंस का लॉकर रूम बंद है, उनको पता नहीं क्या है। हम ब्रेक से वापस आते हैं और पॉल हेमन उसोस को कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि उसोस लॉकर रूम के अंदर से बाहर आ जाते हैं, और हेमन अजीब सा एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगा था लॉकर रूम बंद है। और उसोस यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं पॉल हेमन को कि तुम ही थे ना ब्रॉक लेस्नर के रिटर्न के पीछे, तो पॉल हेमन कहते हैं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता था। और उसके बाद वो पूछते हैं कि तो तुमने हमें क्यों बोला कि रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच में तुम लॉकर रूम में रहो, तो वो कहते हैं वो मेरा डिसीजन नहीं, वो रोमन रेंस का डिसीजन था, वो अलग से जाकर लड़ना चाहता था जॉन सीना से। लेकिन इस बात में उसोस बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और आज पूरे शो में गाइस पॉल हेमन थोड़ा अजीब सा एक्ट कर रहे थे। रोमन रेंस भी जब बैक स्टेज अराइव होते हैं तो हेमन उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते, पूरा शॉक लग रहे थे, लॉस्ट लग रहे थे, ऐसा लग रहा है उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ब्रॉक लेस्नर वापस आ चुका है, और इस बात का उनको डर है कि जब ब्रॉक एक्चुअली में उनके सामने आ जाएगा तो वो क्या करने वाले हैं। या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सारा ये पॉल हेमन का मास्टर माइंड प्लान था, और ब्रॉक लेस्नर को यूनिवर्सल टाइटल जितवाना ही अब उनका अगला गोल है। वो चीज गाइस इंटरेस्टिंग रहेगी। अगली चीज की हम बात करते हैं, तो सिजारो का मैच होता है यहाँ पे चैट गेवल के साथ, और ओटिस यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं जैसे ही सिजारो अपने स्विंग के लिए कोशिश करते हैं, और मैच के बाद यहाँ पे ओटिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया सिजारो को एक स्प्लैश लगा के। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि हैप्पी कॉर्बिन आ चुके हैं स्मैकडाउन पे, वो बेंटली में अराइव होते हैं मस्त भाई, बिल्कुल उनको किसी बात की टेंशन नहीं है, बहुत पैसा जीत चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, और वो रिंग के अंदर आते हैं भाई। उनका नया थीम सॉन्ग है जो कि पूरा कैसीनो पे बेस्ड है, और वो अपने आप को मेयर ऑफ जैकपॉट सिटी भी बुलाते हैं, तो पता नहीं उनको इतनी खुशी है इस बात की, वो इतने अमीर है। वो बेगी को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं भाई देखो सॉरी कि मैंने तुम्हारा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस चुराया, लेकिन मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मनी इन द बैंक कैश इन करके हार जाते हैं, बिगी कहते हैं जैसे कि तुम। तो वो कहते हैं कि भाई देखो $20,000 में मैं तुम्हारा मनी इन द बैंक खरीद लेता हूँ, ताकि तुम्हें भी वो चीज से गुजरना ना पड़े। तो बिगी मना कर देते हैं और वो अपनी बिड $50,000 करते हैं, $1,00,000 करते हैं, लेकिन बिगी कहते हैं हेल नो, कोई चांस नहीं है। वो कहते हैं
लाख डॉलर में तुम और कोई चीज खरीद सकते हो मेरे से, जैसे कि हाफ ईटन सैंडविच, तुम एक पेंसिल खरीद सकते हो, या फिर अरकैंसस रेजर्स टीम का जो पिग है उसको तुम मुझसे ले सकते हो। और इस पर बहुत ज्यादा चीयर हुई क्योंकि वहां की लोकल टीम थी गाइस, और ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होता है तो वहां लोग बहुत ज्यादा चीयर करते हैं। तो काफी बड़ी पॉप यहाँ पे हमें सुनने को मिली गाइस, और बिग ही कहते हैं कॉर्बिन को कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ भाई, इससे पहले मैं तुम्हें मारूं, और कॉर्बिन वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। तो कॉर्बिन बहुत ज्यादा खुश है, पैसा बहुत आ चुका है, उनकी वाइफ ने उनको घर में वापस बुला के अच्छा अच्छा खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया है, उनकी जिंदगी भाई पूरी ऐशो आराम वाली हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज होते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज, और वो कहते हैं देखो भाई जिस हद तक मुझे जाना पड़ा रॉलिंस को हराने के लिए, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन वो काम जरूरी था करना, और अब मैं फोकस करूंगा एक बार फिर से उस चीज पे जो कि उससे पहले मैं जीत नहीं पाया था, एंड दैट इज द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो एक छोटा सा प्रोमो एज की तरफ से। उसके बाद रॉलिंस भी होते हैं बैकस्टेज, और वो कहते हैं मैं एक चीज ऐसी बोलना चाहता हूं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता, कांग्रेचुलेशंस एज। वो कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने लड़ा, लोग कह रहे हैं मैच ऑफ द ईयर हो सकता है, मैच ऑफ द नाइट हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस मैच को हार गया, और मुझे कई सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली है तुमसे, और वो मुझे यूज भी करनी पड़ेंगी आगे अगर मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप या किसी और भी चीज के लिए जाना है। तो अभी पता नहीं लगा कि रॉलिंस और एज का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है गाइस स्मैकडाउन पे, लेकिन इन दोनों की तरफ से आज ये प्रोमो में सुनने को मिला। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, रिक बूग्स एंड नाकामुरा अगेंस्ट रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर, यानी कि द वाइल्ड डॉग्स। एक अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच था, और यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेशन तो मेरी कुछ खास नहीं थी इस मैच से, लेकिन तब भी गाइस रिक बूग्स और नाकामुरा ने विक्ट्री ले ली है। तो वाइल्ड डॉग्स के साथ इतने समय से क्या चल रहा है कोई आइडिया नहीं है, बस वो एक मेकशिफ्ट टीम है जो कि बाकी टीम से लड़ सकते हैं और एक ढंग का मैच दे सकते हैं, और उनको उनका काम है नहीं। इसके बाद सैमी ज़ेन का मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, और रे मिस्टीरियो डोमिनिक को कहते हैं देखो भाई मुझे पता है बहुत समय से हम साथ में हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं तुम अपने इंडिविजुअल करियर में भी ग्रो करो, और इसकी वजह से एडम पियर्स से मैंने बात करके तुम्हारे लिए आज एक मैच को बुक कराया है। तो ज़ेन के साथ ये मैच होता है उनका, और एक अच्छा मैच था, बैक एंड फोर्थ, काफी मौके मिले यहाँ पे डोमिनिक को जीतने के, उन्होंने 619 भी लगाई, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन को यहाँ पे विक्ट्री मिलती है गाइस एक हेलुवा किक लगा के, और डोमिनिक बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से कि वो इस मैच को हार गए हैं। तो रे मिस्टीरियो की उनको अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है शायद, और उनको ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि अपने इंडिविजुअल करियर में जो है उनको और मेहनत करने की जरूरत है। अब मैंने ये बात बोली थी कि हो सकता है कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो का मैच आपस में हो जाए, इनकी फ्यूड भी हो सकती है, इनकी राइवलरी हो सकती है, आई थिंक उसके लिए शायद WWE बिल्ड कर रही है, लेकिन इतना हिंट आज के शो पे नहीं मिला कि मैं बोल सकूं कि हाँ यही होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस, इस पे आंख बना के रखना। और फाइनली शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है फैमिली सेलिब्रेशन जो कि रोमन रेंस और रूसोस की होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली द ब्लड लाइन चैंपियंस हैं, और यहाँ पे जो नई टी शर्ट है रोमन रेंस ने जो पहन रखी थी बहुत बढ़िया मुझे लगी, जैसे ही इंडिया में आएगी डेफिनेटली मैं वो खरीदने वाला हूँ, मुझे काफी वो डिजाइन पसंद आया। लेकिन गाइस रोमन रेंस यहाँ पे आते हैं, और पहले बैकस्टेज पॉल हेमन को अजीब सा लगता है, वो कहते हैं रोमन ये लो टाइटल तुम चले जाओ क्योंकि ये फैमिली सेलिब्रेशन है। रोमन कहते हैं पॉल तुम भी हमारी फैमिली हो हमारे साथ चलो, और रिंग में आके भी रोमन रेंस माइक में कुछ नहीं कहते, पॉल हेमन को माइक पकड़ा देते हैं। तो पॉल हेमन पहले कहते हैं क्राउड को भाई तुम्हारे को मौका मिल गया है रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने का, उसके बाद वो कहते हैं उसोस को भी अब एक्नॉलेज करो, और जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट रोमन की विक्ट्री की, और बाहर आ जाते हैं यहां पे गाइस फिन बैलर। फिन बैलर कहते हैं कि देखो जॉन सीना से मैं बाद में डील करूंगा जब टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिलने वाला था, और उसी बात पे मैं वापस आता हूं। वो कहते हैं रोमन मैं तुम्हें बाहर आके एक्सट्रीम रूल्स के लिए चैलेंज करने वाला था, लेकिन एज ऑलरेडी यूनिवर्सल टाइटल की बात कर रहा है फिर से, ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है, वो कहते हैं कि इस लंबी लाइन में मैं नहीं लगने वाला, और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। और बैलर ने बिल्कुल भी वही यहां पे वेट नहीं करा, रोमन पे अटैक स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट नंबर गेम थी, उन पे अटैक हो रहा था, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहां पे बाहर आ जाते हैं उसोस से लड़ने के लिए, और रोमन रेंस वहां से एक बार फिर से कट के निकल लेते हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा है। तो यहां पे फिन बैलर को अपर हैंड मिलता है, वो कूड़ा कराबे लगाते हैं उसोस के ऊपर, और गाइस क्लियरली यहां से पता लग गया है कि फिन बैलर रोमन रेंस होगा आई थिंक एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, जो नेक्स्ट वीक का मैच है आई डोंट थिंक होने वाला है, और अगर होगा भी उसका रिजल्ट ढंग से आएगा नहीं, और उसके बाद उसोस अब जो है फ्यूड करेंगे फॉर द टाइटल्स अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो मेन इवेंट से बात पता लगी, आई नो जो लोग सुबह उठे थे सोच के कि ब्रॉक लेसनर आएगा तो भाई वो डिसअपॉइंट हुए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिस दिन समर स्लैम खत्म हुई थी कि यही एग्जैक्टली प्लान्स रहने वाले हैं WWE के लिए, पहले बैलर वाला मैच खत्म होगा क्योंकि वो पेंडिंग है, और उसके बाद वो आगे बढ़ सकते हैं विद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो गाइस ये थी आज की स्मैकडाउन, अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में और जो भी आपके थॉट्स हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।